अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करेंगे नरगिसी कोफ्ते, लेकिन आज की रेसिपी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज ये नरगिसी कोफ्ते हम तैयार करेंगे आलू की मदद से। मज़ेदार ग्रेवी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करना है प्याज का पेस्ट। प्याज 2 से 3 लिए हैं लेकिन छोटे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने लिया है तकरीबन 3 चम्मच के बराबर। टमाटर का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, फ्रेश हरा धनिया है, 3 अदद उबले हुए अंडे हैं और 1/2 किलो आलू हैं वो भी उबले हुए। नरगिसी कोफ्ते में अब हम कोटिंग करेंगे उबले हुए आलू की, तो इसमें जाएगा हसब जायका नमक, जितना आपको नमक पसंद है ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स है 1 छोटी चम्मच, कसूरी मेथी है वो भी 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला हमने शामिल किया है 1 छोटा चम्मच और गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच हमने अजवाइन की शामिल की है, थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची शामिल कर दी है, और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मैश कर लेना है, एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। आलू को मैश करने के बाद अब हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि अब इसमें शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो सेम क्वांटिटी में आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ शामिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी अच्छी बाइंडिंग बनेगी और अच्छी शेप आएगी कोफ्ते की और मज़ेदार फ्लेवर आएगा। जब इसकी अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी उसके बाद अब हमने इसकी करनी है कोटिंग। हमने इस तरह से पेस्ट लेना है, इसको हमने हाथों पर लेना है फैला इस तरह से, ये देखें बिल्कुल बड़ी सी मैंने इसे एक टिकिया सी बना ली है। इसके बाद अब हम इसको सेट करके इसमें हमने एग रखना है और इस तरह से हमने फोल्ड करके एक इसकी बॉल बना लेनी है इस तरह से। हल्के से अगर हाथ आपकी गीले होंगे तो बआसानी आपका कोफ्ता तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको एक अच्छी सी शेप दे देनी है और अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो इनको हमने इस तरह से फ्राई करना है कि ये अच्छे से प्यारे से गोल्डन कलर के हो जाएं। यहाँ पर मैं पलटाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने चिमटे के साथ इनको नहीं हिलाना क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी और इनमें कट लग जाएंगे, तो बेहतर है कि चम्मच का इस्तेमाल करें, बआसानी ये पलटाए जाते हैं। और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल है और उसका पकना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छे हमारे नरगिसी कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर तैयार करनी है मज़ेदार सी ग्रेवी, क्योंकि जितने अच्छे हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं ग्रेवी का मज़ेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है और इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल मत किया करें, लहसुन अदरक को दिल खोल कर इस्तेमाल किया करें, ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू नहीं आ जाती और इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा हो गया है फ्राई। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी हमने कर लेना है अच्छे से फ्राई और इसमें अब हम शामिल करेंगे अपने बेसिक से मसाले जो हम नॉर्मल हर हांडी में शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, हसबे जायका नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है। इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने भून लेना है। यहाँ पर ऑयल मुझे हल्का सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दिया है और यहाँ पर अब हमारी भुनाई स्टार्ट होती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको मुसलसल भुनाई करनी है और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाना है जब तक हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कलर ग्रेवी का नहीं मिल जाता। जैसे हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी हमने इसमें फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर देना है क्योंकि मिक्स किया हुआ हरा धनिया बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर ग्रेवी हो गई है तैयार और यहाँ पर हम नरगिसी कोफ्ते को कट करके दिखाते हैं कितना अच्छा और कितना परफेक्ट कुक हो गया है। ग्रेवी को हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसके बाद नरगिसी कोफ्ते सजाएंगे, गरम मसाला छिड़केंगे और हरा धनिया, और हमारे नरगिसी कोफ्ते हो गए हैं तैयार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मैं इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी
रेसिपी के साथ मिलती हूँ, जिससे बनाना भी आसान होगा और खाने में बहुत मज़ेदार होगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।